अरे ओके बोल दिया तू कहीं। आज हमारे साथ मानवे दीपेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पे अपने कुछ नए पुराने गाने बोलने जा रहे हैं। यहाँ से विदा हो रहे पानी पानी पानी। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के सिंह पहाड़ में। इन पहाड़ों के इस खिलखिलाती धूप के बीच अभी हम घर में और मैं अभी आ रहा हूँ वोट डाल के। मैंने अभी आज अपना वोट डाला है तो अभी सुबह के करीबन 10 बजे हैं और मैं सुबह करीबन 8:30 बजे वोट डाल के फिर पानी लगाने गया क्योंकि यहाँ 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा था। मैं और गाँव के 3-4 लोग और थे जो मेरी उम्र से छोटे थे, तो हम पानी लगाने गए थे। बकरियों के साथ गई है छोटी बहन और अब मेरी बारी है क्योंकि वो घर आएगी और उसके बाद मैं जाऊंगा बकरियों के साथ। तो मैं पहले बकरियों के साथ जाने की तैयारी करता हूं। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, पहले खाना खाकर और फिर हम जाएंगे जंगल की तरफ। हमारी बकरियां हैं वहां ऊपर और बहन जा रही छोटी वाली, तो मैं वहीं को जा रहा हूं। बैलों के साथ शायद अभी कोई नहीं गया क्योंकि बैल नहीं खोल रखे उन्होंने आज। अभी है सुबह का समय और आप देख सकते हैं धूप लगी हुई है, तो मैं अभी घर में हूँ और मुझे जाना है कहीं, एक पूजा है उस पूजा में जाना है मैंने। तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, जितना बनेगा अच्छा बनेगा और कोशिश करेंगे हम आपको और लोगों से मिलाने की। तो अभी हम जा रहे हैं बर्तन लेके यहाँ से, चलो चलते हैं। हम पहले बर्तन ले जाते हैं वहाँ क्योंकि बर्तन की ज़रूरत है। ये रहा पतीला, इसे ले जाएंगे हम वहाँ। अभी जा रहे हैं हम खेतों के रास्ते उधर जंगल की तरफ और ये वही रास्ता है जो हमारे मंगरा है, जो हमारा मंगरा है वही रास्ता है। यहाँ से अभी जाएंगे हम बिस्कम धार, जहाँ अपनी भाषा में बोलो तो बिस्कमा धार। तो चलते हैं, काफ़ी लेट होगी मुझे यहाँ। ये हमारा मंगरा जहाँ पानी आता है, तभी ये पार करके उसके बाद थोड़ा 200 मीटर करीबन खेतों को पार करने के बाद फिर मैं पहुँच जाऊँगा उधर बांस के जंगल में और फिर जाएंगे हम आगे। अरे ओके बोल दिया तू कहीं। नेगी जी आगी आगी रे आगी छह आगी रे छह की नेगी जी छह। हेलो दीपेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पे अपने कुछ नए पुराने गाने बोलने जा रहे हैं। कुछ पुरानी यादें, चलो मजा शुरू। सजनों ये बना छह में पच्ची ने पर मैं बन चाहूँ तो कि यह बेटी बला सुराज दे रहनी अब वो जो मेहत में सुख मिलने हुए थे वो सुराज में नहीं मिल बल तो भाई एक गीत बोल दी बोलो बिट बिटो पाख मो सह सर पाख मो भाई मैं लोहड़ी बांध एक गीत बोल बोल चाहूँ जो भी कमियों क्षमा को आभार से गीत प्रकार से कभी सीला पाखोरी सुंदर कभी तेला घाम कभी सीला पाखोरी टू कभी घाम घास नी चुमा दिया ये लो नामा। पूजा हो गई है खत्म और मेरे हाल आप देख ही सकते हैं, चूल्हे के सामने में रोटी बनाई थी तो कैसे हाल हो गया आग के कारण। और पीछे आप बुरांस देख सकते हैं कि बुरांस कैसे खिले हैं। बुरांस तो अभी वैसे अभी नहीं खाते, बुरांस बाद में खाते जब ये शिवरात्रि का एक व्रत आता है उसके बाद बुरांस खाना, जब इसे बुरांस और जो एक और फूल होता है उसको चढ़ाने के बाद उसे खाना बैठ जाते हैं। फिलहाल तो मैं अभी यहाँ नीचे आया हूँ, अभी तक तो मौसम एकदम सही है, थोड़ा बहुत बादल लग गए हैं, शायद कल बारिश आ सकती है क्योंकि यहाँ जो है कि पीछे आप धुआं धुआं देख सकते हैं। अभी मैं ऊपर ही जा रहा हूँ जहाँ पे पूजा हो रही है, पूजा ख़त्म होगी अब बारी है खाना बनाने की। आधा बन गया आधा बन रहा है, खाना बनने के बाद फिर खाना खा के फिर जाएंगे हम घर, लेकिन पहले हम ऊपर में चलते हैं। विदा हो रहे इसका तो तुम कहीं भी डोलो जो भी व्यवसाय के निकल जाएगा। अरे मैं सत्य के साथ कर रहा हूँ, विजय के साथ कर रहा हूँ और लय के साथ कर रहा हूँ। अरे सिंह नेगी दिगंबर सिंह नेगी, अरे मैं बोला अरे तुम भी फौजी थे क्या उबा हमो भरोस दी ने दस दस अंदा भरोस और तू लंबी छूट गया बैठ जाओ
बेटा तो भैंस के दूध ने भजी भी तू जीव तो बिगर पानी और सनका छोड़ दिया के टी डुबण होल वर कोई नहीं बारी दांतू लंबी छुट्टी लेकी एगी भगत आखिर तेरी डोबर लग्यू छाबेता डामो का खातिर आबारी दातू लम भी छोटी खेती जा यू गला विंडो जो जो बाटो जा रे हम पूजा खाकर आ गए हैं घर और अभी मौसम बिल्कुल ही ख़राब है और आप देख सकते हो ऊपर से बादल लगे हुए हैं और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा आपको नीचे गीला दिखाई देगा। तो बारिश भी हुई थी और टाइम भी काफ़ी हो गया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।